जमना, मेरा खून भरा बैंडेज लाओ। रात गए जमना जंगल की तरफ। हाँ अब समझ गया, रानी साहिबा हमें डराने चली हैं। ठीक है डाली, आज तुम्हारा भी जलवा देख लेते हैं। अच्छा, इस वीराने मिलाकर मुझे डराने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन किसको डराता है। सोच सूरज बेटा सोच। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तिया जिंदगानी कब आएगी तू, चल या तू चल या। अरे रे 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 रे, रानी, अरे अंधेरी रात में और वो भी अकेले, कहीं जाना है क्या? अबे तेरे, अरे रुक जा सूरज बेटा, रुक जा रुक जा। लगता है ये भी इसकी कोई नई चाल है। चलो देखते हैं क्या करती है। अरे हंसी, अरे हंसी तो फंसी, मुस्कुराई, अरे मुस्कुराई तो बगल में आई। चले छोड़, तुम्हें
सूरज देखो ना, इन कपड़ों में लग रही हो ना बिल्कुल फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी। तुम एक काम करो, अगले महीने अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर खरीद लो, यहाँ ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ओके सूरज, रो ना। नहीं नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, आज तुम्हारा जी मसला रहा है? नहीं देखो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे सूरज सुनो तो, एक मिनट। सूरज काम की टेंशन थी इसलिए सो नहीं पाया। आओ, मैं तुम्हारी थकान दूर कर देती हूँ। आज कहाँ बच कर जाओगे, आज तुम्हारी बात। नहीं, नहीं। इसी दिन का तुम्हें इंतजार था। कुछ करना पड़ेगा।
जामगढ़ पुलिस स्टेशन। देखिए मैं सूरज कुमार बोल रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है सर, मेरी बीवी से। जी जी, वो इसलिए क्योंकि वो मेरी बीवी एक चुड़ैल है सर। जी नहीं, मैं पागल नहीं हूं सर। अब तो तुम्हें पता चल गया। हाँ तुम मुझे मार डालोगी है ना? मार डालोगी तुम? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अगर तुमने मेरी असलियत को राज रखा तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। लेकिन तुमने मुझे शादी क्यों की? वो मेरी एक मजबूरी थी, मेरी एक जरूरत जो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकते हो। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पत्नी बनकर रहूंगी, हर वक्त तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन कभी मेरी असलियत को मत ललकारना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। सब कुछ ठीक रहेगा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, समझे? नकोरो भयो राय चामुंडाय नमः, 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 न करो भयोराय चामुंडाय नमः। मेरा वक्त आ गया है, अब कुछ ही दिनों में मेरी शक्ति अमर हो जाएगी। न करो भयोराय चामुंडाय नमः, न करो भयोराय चामुंडाय नमः, न करो भयोराय चामुंडाय नमः, न करो भयोराय चामुंडाय नमः। हो गया जमुना, अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे, वरना? वरना क्या? क्या करोगी तुम?
घबराने की कोई बात नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। सच डॉक्टर? क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। पूछो। कई दिन से देख रहा हूं आप बहुत चिंता में खोए रहते हो, ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हो, घर में आते हैं तो न खाने पीने की फिक्र, न किसी से बात करने का मन। क्या हुआ बाबूजी? मैं कुछ नहीं कहता, वो बस ही कुछ ऑफिस की उलझने हैं जो। बाबूजी, उलझने तो दूर हो जाएगी। नहीं काका, अब तो लगता है कि ये उलझने मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म होंगी। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको ले जाऊंगा वो पहाड़ी वाले बाबा के पास। हाँ, वहां सारी समस्या दूर हो जाएगी। पहाड़ी वाले बाबा? हाँ, हर बात का ज्ञान है बाबा को, रोजगार का मामला हो, घर का मामला हो, भूत प्रेत का मामला हो। क्या काम? भूत प्रेत? हाँ, हर बात का ज्ञान है उन बाबा को। काका, तुम मुझे उस बाबा के पास ले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम्हारे मेम साहब को इस बात की कानो कान खबर ना होने पाए। ओके, तो कल शाम को कोई भी बहाना बनाकर तुम मेरे ऑफिस पे आ जाओ, फिर वहीं से चलेंगे, राइट? रास्ता यही खत्म होता है। वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अब करना क्या? आगे पैदल जाना पड़ेगा। पैदल? लेकिन कितनी दूर है? दूर तो है। चलो। आइए सब। क्या बात है, आपके बाबा कहीं नजर नहीं आते?